नमस्कार, पीएचएच की खबरों में आपका स्वागत। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। मनसा में सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह ने पंजाब में दिनों दिन खराब होते लॉ एंड ऑर्डर पर चिंता जाहिर की है। बलकौर सिंह ने कहा कि जेल में 42% कैदी नशा करने के आदि हैं, तो सवाल खड़ा होता है कि वहां नशा कैसे पहुंच रहा है। सिद्धू के पिता ने कहा कि अब इस बात की चिंता होने लगी है कि अगर आपका बेटा कुछ कमाने लगता है तो फिरौती मांगने वालों का फोन आना शुरू हो जाता है। उन्होंने कहा कि वो अपने बेटे के इंसाफ के लिए पंजाब सरकार से लेकर केंद्र की सरकार तक सबके पास गुहार लगा चुके हैं, मगर किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। जबकि जेल में बैठकर लॉरेंस बिश्नोई 5 करोड़ महीना कमा रहा है, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इनकी रखवाली कौन कर रहा है। उन्होंने कहा कि अब अपने बेटे के इंसाफ के लिए लोगों की कचहरी में जाएंगे। और रेंदी खूंदी कसर गैंगस्टरां दे नाल बदमाशां दे नाल सांझ ढालियां पा के पूरी करे हो बदला। लोगों ने बड़े चाव नाल कीता सी, सारे नूं दरबार करा के जिहड़ा तुहानूं वड्डा हौसला दित्ता सी, पर इह उम्मीद नहीं सी कि तुहाडे बारे दे बानवें दे विरोध विच उंगलियां पैदा होणियां, कि तुसीं कोई शब्द वी नहीं बोलोगे। जां कि असीं वड्डी लड़ाई रोज़ साडी नौजवान मर रहे हैं, रोज़ कारोबार वड्डी खिडारी राकेश छाबड़ा लाइव जुड़े हैं पूरी जानकारी के साथ। राकेश, जेल में वाकई में नशे की खेप देखिए जितनी आसानी से पहुंच रही है, सवाल का विषय है, और इसीलिए शायद सिद्धू मूसेवाला के पिता ने सवाल भी उठाए। राकेश जी बिल्कुल, अभिषेक बात कीजिए। जैसे कि सिद्धू मूसेवाला के पिता ने बठिंडा में बीते दिनों जैसे कत्ल होता है उसको लेकर बलकौर सिंह ने पब्लिक को संबोधन करते हुए कहा कि जब से उनके बेटे की मौत हुई है उसको लेकर वो हमेशा से इस चीज को जस्टिस के लिए सरकार से गुहार लगाते आ रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो दूसरी तरफ जो नशा है वो धड़ल्ले से बिक रहा है, और जेल में जो बैठे गैंगस्टर हैं जैसे लॉरेंस बिश्नोई है, 1 महीने का 5 करोड़ रुपए कमा रहे हैं, तो इसको लेकर कहीं ना कहीं सवाल पैदा हो रहे हैं। तो इन चीजों को लेकर वो आम जनता की अदालत में जाएंगे और आगे क्या निकल के आता है आने वाले दिनों में बताएगी। जी जी, लेकिन देखिए नशे की खेप आ कहां से रही है? जेल के अंदर ही जाना बड़ा सवाल नहीं है, क्योंकि पूरे पंजाब में देखिए नशे का कारोबार बड़ा फल फूल रहा है। सरकार को, प्रशासन को इस पर सख्त होना चाहिए। राकेश जी, अभिषेक बिल्कुल जी। राकेश जी बताइए, मैं सागर बैठा हूँ स्टूडियो में, बताइए। जी सर, इसमें कोई शक नहीं है कि जैसे कि धड़ल्ले से नशा बिक रहा है, जैसे इनका नेक्सस जेलों से चल रहा है, तो इसमें कोई ना कोई कमी जरूर है। इसमें बड़े अधिकारी कोई ना कोई शामिल है, क्योंकि कोई भी चीज नॉर्मली नहीं होती है। जैसे लॉरेंस बिश्नोई ने जेल से ही इंटरव्यू किया है, तो ऐसी कई सवाल पैदा होते हैं कि कहाँ पे कमी आ रही है, ये सरकार में कमी है या प्रशासन में कमी है, कहीं ना कहीं कमी दिखाई दे रही है। तो उसको लेकर सिद्धू मूसेवाला के पिता भी इस चीज को लेकर फाइट कर रहे हैं, और एक ना एक दिन इसका रिजल्ट जरूर आएगा। जी जी, शुक्रिया राकेश पूरी जानकारी के लिए। वहीं पंजाब के रूपनगर से रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो सामने आया है। वीडियो बुजुर्ग महिला के साथ बेरहमी से मारपीट का है। महिला के साथ अमानवीयता करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका सगा बेटा है। बेटा, पोता और बहू तीनों ने मिलकर इस बुजुर्ग महिला पर जो अत्याचार किया उसका वीडियो देखिए समय वायरल हो रहा है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। किस तरह से शख्स अपनी मां को मार रहा है, फिलहाल ये वीडियो वायरल होता हुआ। ਲੰਬਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਪਰ ਅੱਜ ਰੋਪੜ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਨਗਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਪੌਸ਼ ਏਰੀਆ ਰੋਪੜ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਅੱਜ ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤਾ। ਮਾਂ ਆਸ਼ਾ ਰਾਣੀ ਵਰਮਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਲੇਟ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰੀਚੰਦ ਵਰਮਾ, ਉਹ ਵੀ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਹਾਈਲੀ ਐਜੂਕੇਟਡ ਫੈਮਿਲੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟਾ ਜੀ ਅੰਕੁਰ ਵਰਮਾ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੂੰਹ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਪਲੱਸ ਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ। ਉਦੋਂ ਤਿੰਨੋਂ ਮੈਂਬਰ ਉਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟ ਰਹੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਜਾਨਵਰ ਕੁੱਟਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੱਟੇ ਟੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਹੀ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਅੱਜ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਜਾਲ ਬੁਣਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ।
घर दे विच सीसीटीवी कैमरा लग्या होया सी रूम च माता दे, उन्हां नूं इह वी नहीं पता सी वी इह गुनाह साडा किसे होर चक्कर वी जा रहा, उन्हां नूं ऐ सी वी साडे कोल ही एक्सेस, पर रब बड़ा विराट आ, उन्हां ने ऐसा कौतक रचिया। अज तों 10-15 दिन पहलां जदों बेटी अपनी माँ नूं मिलण गई, उन्हें देखिया मूँह सुजा होया, बुल सुजे, आंढी गुआढ़ियां ने दस्सिया वी तेरी माँ नाल विहार सही नहीं करता तेरा बाप, तो उन्होंने माँ नाल गल की, माँ डरती कुछ दसदी नहीं सी, कहिंदी नहीं ठीक आ, मैं डिग पी सी, वह भी क्या कर डिग पे सी, कोले खड़े रहन गल ना कर देन, पर एक मिनट का समा मिलिया उस भैन नूं, उस धी नूं, उन्हें माँ का फड़ाया होया फोन जो पिता जी का सी, जो स्वर्गवास हो गए 2 साल पहला, उस फोन के कैमरे का एक्सेस उन्होंने डाउनलोड कर लिया अपने फोन के, वो घर आके जो उन्होंने कैमरा ऑन किया तो उन्होंने देखा 2-4 दिन की वीडियो के भी कि क्रूरता ना कुट रहे ने माँ। इस तरह साढ़े पास मैडम दीप शिखा शर्मा तो मनुखता की सेवा तो सरदार गुरप सिंह ये सारी टीम लैके पहुंचे से, जोड़ा साढ़े को कंप्लेनेंट ने एलीगेशन लाए थे कि उन्होंने जी मदर आ उन्होंने वो ब्रदर जोड़ा ने इलीगल प्रोफाइन करके रख्या है और कुटमार कर रहे, सो असी उस कंप्लेनेंट के आधार पर एस डी एम साहब तो 97 CRPC तहत वरंट लैके जोड़ा असी उन्होंने घर गए थे, जिते कि माता जोड़ा जी असी सारी टीम ने रेस्क्यू करके हॉस्पिटल दाखिल कराया, हूँ असी अगली कार्रवाई उन्होंने शुरू कर। मेरे फादर की डैथ जी भी मैं एकदम ही न्यूज सुनने नू आई सी, मैंने एक दिन पहला कहा गया भी डैडी बुखार हो गया होया है ना, वो जोड़े है उन्होंने मैं यही कहा, फिर शाम को कहते मैं पैरासीटामोल लै ली सी, मैं ठीक हो गया, फिर अगले दिन सवेरे जी है मैं उन्होंने 9 बजे वीडियो कॉल की, वो बिल्कुल ठीक सी, और 9:30-10 बजे मैं यह न्यूज़ मिल गई कि उन्हों की डैथ हो गई हुई है, पर जो मैं उन्होंने फोन गल की तो वो बिल्कुल ठीक सी, इस करके मैं समझ नहीं आई भी उन्होंने डैथ क्यों हुई। ये अपने को पेशेंट जी आशा राणी है, इन्हों जो हेल्पलाइन वाले होंगे वो लैके आए हैं, तो इन्हें काफ़ी नील पे हुए हैं पूरी बॉडी से, तो देखने लग रहा है कि हाँ काफ़ी सारी सट्टा लगी, इन्हों के सुपरफिशियल ब्रूजिज है काफ़ी ज़्यादा, तो टाइम जो कलर ऑफ ब्रूज है उन्होंने देख के लग रहा है कि मतलब विद इन 1 वीक या 2 हफ्ते कुटमार चल रही है इन्होंने। तो राकेश छाबड़ा फिलहाल लाइव बने हुए हैं पूरी जानकारी के साथ। राकेश, क्या अभी तक कोई एक्शन लिया गया, क्योंकि वीडियो देखिए जमकर वायरल हो रहा है, तो ऐसे में क्या संज्ञान लिया गया है क्या मामले पर? जी बिल्कुल, बात की जाए जैसे कि बीते दिन रोपड़ में ये मामला दर्ज हुआ है, जिसमें एक वकील की माता जी को मारपीट करने का मामला सामने आया, उसमें वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि तस्वीरों में दिख रहा है कि वकील अपने माता की होने वाली जगह पे पानी बिखेरते हैं और उसके बाद दोष लगाते हैं कि इन्होंने जो है बीच में कर दिया, उसके बाद इन्होंने मारपीट करी और कई बार उन्होंने मारपीट करी है, तो उसको देखते हुए जो एक्शन जो बार एसोसिएशन ने उनको निलंबित कर दिया गया और पुलिस की तरफ से भी अलग अलग धाराओं के तहत उनको मामला दर्ज करके उनको गिरफ्तार कर लिया गया, उनकी पत्नी और दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। जी लेकिन वजह क्या रही इस पूरे मामले के पीछे, अगर आपने जानकारी ली हो तो? जी बिल्कुल, इसमें जैसे कि उनके माताजी पिछले लंबे समय से बीमार चल रहे थे, उनका जो इलाज के लिए वो बेड से उठ नहीं पा रहे थे, कहीं ना कहीं अगर ये देखा जाए जैसे अगर नॉर्मल इंसान की बात करें तो ये अगर हरकत करता है तो वो शर्मसार करती है, लेकिन ये प्रोफेशन से वकील है और ऊपर से ऐसी मारपीट करना, ऐसी क्रूरता से मारपीट करना, ये कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़े करता है और आगे आके क्या निकलता है और क्या अभी उनको सजा मिलती है, अभी उनको अरेस्ट कर लिया गया दोनों मियां बीवी को। जी जी चलिए, शुक्रिया राकेश पूरी जानकारी के लिए। चलिए आगे, आप आगे बात करेंगे दिवाली के त्यौहार को खास बनाने के लिए बाजार में तरह तरह के सजावटी सामान आ रहे हैं। एक समय था जब भारतीय आइटमों पर चाइनीज आइटमों का दबदबा था, लेकिन अब भारत में एक आधुनिक और सस्ता दिया आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। बटाला में पानी से जलने वाले और लंबे समय तक रोशनी देने वाले दिए पर दुकानदारों ने कहा कि ये पानी से जलने वाला दिया है, साथ ही कई सजावट के साथ सस्ती और गैर विद्युत रोशनी भी बाजार में उपलब्ध है। अब ग्राहकों के बीच इसकी मांग है और आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, हर वर्ग के परिवार के बजट में है और लोग इसे खरीद भी रहे हैं। स-
सर है ना एक छोटे जे दीवा प्लास्टिक का है, ये थोड़ा जहा पानी पाओ तो यह स्टार्ट हो जाता है। यह सर जिदा पहले अं पिछे लाइट्स लवाते सी दीवे वाले लाइटा लैके आते पहले वो किराए तो लिया 500 रुपये एक लड़ी का किराया हों, 10-10 लड़ियाँ घर लग जा 5-5 हज़ार रुपया रेंट पैंता उन्हों का, नवा लियाओ तो 10 हज़ार का खर्चा आता है। एक छोटा जहा दीवा 20 रुपये का पीस है, घर के 400-500 के दीवे लाए हो बहुत सोना जग जाता है, ना सरों का तेल पाने की लड़ है, ना जोत पाने की लड़ है, सारा खर्चा बच जाता है। ये हर एक जेब लैके जा सकते हैं। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल रविवार को सिरसा पहुंचे, इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नशा मुक्ति केंद्र का निरीक्षण करते हुए वहां इलाज करा रहे मरीजों से भी मुलाकात कर उनका हालचाल जाना है। नशा तस्करों को काबू में करने के लिए सीएम ने पुलिस और तुरंत और सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। विना अरोड़ा लाइव जुड़ी है पूरी जानकारी के साथ। विना, सीएम भी देखिए लगातार सख्त है, जिस तरह से हरियाणा में नशे का कारोबार बढ़ रहा है और लोग इसकी पहुंच देखिए बहुत आसानी से हो गई है, वजह ये भी है कि पंजाब देखिए सटा हुआ है। वीना, जो है आज सिरसा दौरे पर पहुंचे थे तो वहां पर मेडिकल कॉलेज का जो निर्माण है उसके लिए वहां पर देखरेख करने के लिए पहुंचे थे कि जनवरी में मेडिकल कॉलेज का निर्माण होगा और उसकी जमीन का निरीक्षण करने के लिए भी वहां पर पहुंचे थे। और उसके बाद उन्होंने वहां पर जो अस्पताल जो बनेगा उसके लिए कहा है कि यहां पर एक नशा मुक्ति केंद्र बनाया जाएगा, इसके लिए अधिकारियों को पूरी तरह से निर्देश दिए हैं कि जो नशा तस्कर उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इसके बाद मुख्यमंत्री ने वहां पर जो मंडी थी वहां पर मंडी के द्वारती है उनसे भी मिले, वहां के लोगों की समस्याएं भी सुनी है और वहां पर मौजूद लोगों के साथ जनसंवाद करने के दौरान यह भी बताया कि वहां पर 700 परिवारों को 100 गज के जो प्लॉट है वो भी दिए जाएंगे जिसके लिए जगह भी निर्धारित कर दी गई है। इसके अलावा ये कहा गया है कि नशा जितना भी है जिसको लेके सरकार मनोहर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वहाँ के जो अच्छे उनको निर्देश दिए हैं कि नशे के ऊपर जो है रस्ता लगाम लगाई। लेकिन बिना क्या बॉर्डर पर सख्ती नहीं बढ़ाई जानी चाहिए, जिस तरह से गाड़ियों में नशे की खेप भर कर आ रही है, अगर उसमें भी अगर तलाशी अभियान चला जाए तो शायद जल्द से जल्द इन नशाखोरों तक हम पहुंच सके। जो बिल्कुल सागर, अगर बॉर्डर की बात की जाए तो जो नशे की जो सख्ती है बॉर्डर से ही पहुंचती है, अगर अगर पुलिस की ओर से अगर सख्ती की जाए, लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो अगर नशा यहाँ पर पहुंच रहा है ना किसी ना किसी तरीके से, अगर बात करें तो मूली भगत से ही यहाँ पर पहुंच रहा है, क्योंकि नशा अगर बॉर्डर से पहुंच रहा है तो नशा देखने नशे की चेकिंग के लिए अगर चेकिंग की होती है तो फिर नशा कैसे बॉर्डर के पार आ रहा है, इसमें कहीं ना कहीं जरूर खबर है, कहीं ना कहीं मूली भगत को जो लेकर जो नशा है बॉर्डर के पार आ रहा है, अगर सख्ती की होती तो नशा यहाँ पर पहुंचा ही नहीं। चलिए ठीक है, बिना बने रहेगा लौट कराऊंगा। वही यमुनानगर CIA 1 की टीम ने 1 किलो 400 ग्राम अफीम के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार युवक उत्तराखंड के जिला टिहरी गढ़वाल के गांव खयारसी का निवासी है। आरोपी को पावड्डा साहिब रोड पर तंजवाला के पास से पकड़ लिया गया, उनके खिलाफ NDPS एक्ट के तहत केस भी दर्ज किया गया। पकड़ी गई अफीम की कीमत लगभग 4 लाख रुपये आंकी गई है। यमुनानगर के आदेश अनुसार और SP मैडम के दिशा निर्देशों में CIA 1 यमुनानगर की टीम ने पिछले एक सप्ताह से लगातार नशाखोरों पर कार्रवाई कर रही। उसी संदर्भ में 3 दिन पहले हमने एक व्यक्ति को ब्रह्मपाल नाम के व्यक्ति को पकड़ा था, प्रतापनगर थाना एरिया में मुकदमा दर्ज किया था जिसमें 600 ग्राम अफीम हमारी CIA 1 की टीम ने बरामद की थी। उसी से जब पूछताछ की गई उसका पुलिस रिमांड लिया गया, आगे जो उसका सोर्स था उसका पता किया गया तो विस्तृत पूछताछ पर सामने आया कि एक उत्तराखंड का व्यक्ति है जो ख्याली गांव का है, नरेंद्र नाम का, वो व्यक्ति हमारे एरिया में अफीम की सप्लाई करता है, वही इसको देकर गया था। तो कल हमारी टीम को फिर से एक पुख्ता सूचना मिली थी कि वही व्यक्ति दोबारा से अफीम की सप्लाई देने के लिए इस एरिया में आ रहा है। CIA 1 की टीम ने जाल बिछाया और ताजेवाला हेड के पास उसको काबू किया। काबू करने के बाद NDPS एक्ट के जो प्रावधान होते हैं उनकी अनुपालना करते हुए मौके पर राजपत्रित अधिकारी को बुलाया गया और उसकी जब तलाशी ली गई तो उसके पास से 1 किलो 400 ग्राम अफीम और बरामद हुई। चलिए वीना लगातार अपडेट दे रहे हैं। वीना देखिए जिस चीज का जिक्र हम कर रहे थे उसी पर इस समय कार्रवाई भी लगातार जारी है, धरपकड़ की जा रही है लगातार। जी बिल्कुल सागर, यमुनानगर से स्टाफ ने 3 दिन पहले एक आरोपी को गिरफ्तार किया था जिसके पास से 600 ग्राम अफीम जो है बरामद हुई थी और रिमांड के दौरान उसने पूछताछ में यह भी बताया कि एक सप्लायर है यहाँ पर नशा सप्लाई कर रहा है, तो पुलिस ने सूचना के आधार पर उस व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया जिसके पास से 1 किलो
400 ग्राम सुईमुन जो है बरामद हुई थी, जिसकी कीमत लगभग लगभग 6 लाख रुपए है। जो आरोपी पहले पकड़ा गया था उसके पास से जो 600 ग्राम पकड़ी गई थी उसकी कीमत 4 लाख के करीब थी, लेकिन पुलिस ने दोनों को रिमांड पे लिया है। रिमांड के दौरान पुलिस ने तो कोर्ट में भेज दिया। चलिए शुक्रिया बिना पूरी जानकारी के लिए। वहीं कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि पिछले 9 सालों में प्रदेश और जिलों में अभूतपूर्व बदलाव हुए हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व की सरकारों से 3 गुना ज्यादा विकास कार्य पूरे प्रदेश में हुए हैं और पूर्व की सरकारों की तुलना में यमुनानगर जिले में कई गुना ज्यादा विकास के काम भी हुए हैं। बहुत बड़ा बदलाव होगा निश्चित तौर से, और पहले भी हमने काफी काम किए और अब भी बहुत स्पीड के साथ काम हो रहे हैं। और आज 2 काम, 147 लाख कुछ का था जिसका हमने उद्घाटन किया, और ये लगभग 87 लाख का काम है जिसका हमने आज शिलान्यास किया। तो आज कल से इसमें काम शुरू हो जाएगा और जल्दी ये काम हो जाएगा। लेकिन 9 साल में बहुत बड़ा परिवर्तन पूरे प्रदेश में है, और मेरा मानना है कि पिछली सरकार के मुकाबले में 3 गुना से ज़्यादा काम सारे हरियाणा में हुए। लेकिन अगर यमुनानगर लगाए तो मैं समझता हूँ 3 गुना नहीं बल्कि कई गुना ज़्यादा, लगभग 5-6 गुना ज़्यादा काम हुआ, क्योंकि पिछली सरकार में जिस प्रकार का पक्षपात किया गया और खासकर यमुनानगर की जिस प्रकार से अनदेखी की, लेकिन वर्तमान सरकार में वो सारे के सारे काम, चाहे कहीं कॉलेज बनने की बात थी, चाहे हॉस्पिटल बनने की बात थी, चाहे ITI बनने की बात थी, चाहे कहीं सड़क की बनने की बात थी, चाहे एक्सप्रेस हाईवे बनने की बात थी, जितने भी काम थे बहुत तेज गति से और लगभग सारे कंप्लीट हुए हैं। अब तो मेडिकल कॉलेज भी यहाँ उसका काम शुरू हो गया और निश्चित तौर से अपने समय समय बढ़ के काम। वहीं आगे बात करेंगे मेरी माटी मेरा देश के कलशों को दिल्ली भेजने की यात्रा में शामिल होने रोहतक पहुंचे राय विधायक मोहनलाल बड़ौली ने भूपेन्द्र सिंह हुड्डा पर जमकर कटाक्ष किया। उनका कहना था कि भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने शायद पाप ही इतने किए हैं कि उनको जेल याद आ रही है, जो जैसे कर्म करेगा उसको उसका परिणाम भुगतना होगा। साथ ही भूपेन्द्र हुड्डा के ब्राह्मण डिप्टी सीएम बनाने की घोषणा को भी उन्होंने राजनीतिक स्टंट करार दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी देश पूर्ण तरीके से कोई कार्रवाई नहीं करती, जिसने जैसे कर्म क्यों हो उसे वैसा ही भुगतान करना पड़ेगा। एक राष्ट्रीय स्तरीय प्रोग्राम है जो 31 अक्टूबर को दिल्ली इंडिया गेट पर जो शहीद वार मेमोरियल का निर्माण हुआ है, सुभाष चंद्र बोस जी की स्टैचू जहाँ पर लगी हुई है, वहाँ प्रत्येक गांव से, प्रत्येक शहर से, घरों से, शहीदों के परिवारों से जो मिट्टी लेकर और पूरे हरियाणा प्रदेश में और पूरे देश में भी इसी प्रकार की शहीदों के सम्मान में कलश यात्राओं निकली थी, और जो ये कलशों के अंदर मिट्टी हम लेके आए हैं, ये मिट्टी वहाँ इंडिया गेट पर जो वार मेमोरियल के सामने जो ग्राउंड है वहाँ पर लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने हाथों से वहाँ पेड़ लगाने का काम करेंगे। वहीं पलवल विधायक दीपक मंगला और होडल विधायक जगदीश नायर ने पलवल के अलग अलग गांव में एक साथ जनसंवाद किया है। लोगों की समस्याओं को सुनकर उनके समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हर एक गांव में नहीं आ सकते, इसीलिए सरकार के विधायक, सांसद और मंत्रियों को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। दौरा हमारा चला फाटनगर, हाफजाबाद, हाफजाबाद से ये भरतगढ़ और फिर ये सुजवाड़ी, आज के 5 गांवों का दौरा था, तो जिसमें बहुत भारी संख्या में लोगों ने हमें सुना और लोग इस प्रोग्राम का बहुत ही समर्थन कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये प्रोग्राम लोगों की शिकायत सुनने के लिए एक अच्छा प्रोग्राम चलाया। इसके लिए हमने जगह जगह कैंप लगाने की घोषणा कर दी है माननीय मंगला साहब ने, और मैंने इस गांव में भी कैंप लगेगा 7 नवंबर को, पिछले गांवों में भी हमने कैंप लगाने के लिए अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि लोगों की समस्याएं सुने और उनकी। चलिए फिलहाल इतना ही, नमस्कार।